फरवरी को लगभग 12:40 बजे दिन में आदित्य पेट्रोलियम शेख बसैया पिपराही के मैनेजर पंकज कुमार कुछ पैसा 65,000 लेकर एक मोटरसाइकिल से निकले थे वहां से। इसी बीच 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जो मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके और उनसे हथियार के बल पर हथियार दिखाते हुए पैसा भी लूट लिया और मोटरसाइकिल भी लेकर वो फरार हो गए, लूट लिया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों ने नाकेबंदी हर थाने के द्वारा लगाई और सीवर थाना, पिपराही थाना और सभी थानों को अलर्ट किया गया, चेकिंग लगा दी गई और हर तरफ पुलिस की गश्ती को भी बढ़ा दी गई। इसको देखते ही जो अपराध कर्मी थे और चारों तरफ से घिर गए थे और इसी बीच उसने रेजमा और सरसोला के बीच में ही उस मोटरसाइकिल को छोड़कर फरार हो गए और मोटरसाइकिल जो लूटी हुई मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया। अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ करते हुए हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान का भी सहारा लिया और हमें उसमें जो अनुसंधान के क्रम में मुख्य बातें आई उसमें उसी पेट्रोल पंप के बगल में एक सर्विसिंग सेंटर चलाता है वहाँ का सफाउल्ला जिसने लाइनर का काम किया था उसके बारे में पता चला और हम लोगों ने उसका सत्यापन किया तो सही में पाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, साथ ही इस पूरे लूट के कांड में जो भी अपराधकर्मी शामिल थे उनके बारे में भी बता दिया, उन्हें चिन्हित कर लिया गया, उनका सत्यापन भी कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी की जा रही है। इस तरह से मात्र 2 घंटे के अंदर लूट की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, कांड का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें जो फरार अपराधी हैं उनका भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, छापेमारी की जा रही है।